नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश प्रसाद आपको फिर दोबारा से बताने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे हमारे इस लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ये 3 लेक्चर की सीरीज थी पृथ्वी के वायुमंडल के संगठन और संरचना को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। जो मैंने टॉपिक था उसको 3 भागों में बांटा, जिसको मैंने पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानकारी के लिए मैंने इसको बांटा। और इसके लिए इस पृथ्वी के वायुमंडल क्रम में मैं 1 लेक्चर पहले लॉन्च कर चुका हूँ और इस क्रम में ये 2रा लेक्चर है। दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने आपको पृथ्वी के वायुमंडल की सामान्य तथ्यों के बारे में बताया था और ये बताया था कि जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो किसका मिश्रण है, वो धूल कणों, जलवाष्प और गैसों का मिश्रण है। धूल कणों और जलवाष्प तथा गैसों का मिश्रण है। इसमें से हमने धूल कणों और जलवाष्प के बारे में पहले लेक्चर में बात कर ली थी, आप YouTube में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या क्या बताया था कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन से जलवाष्प कैसे कैसे होती है और तथा धूलगण कौन कौन से होते हैं। और इस लेक्चर में, ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में। आप बोल रहे होंगे कि जी वायुमंडल के बारे में जानना क्यों जरूरी है, तो मैं बता दूं दोस्तों, बताते चलूं कि वायुमंडल के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि बिना भोजन किए कि हम 30 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी पिए हम 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना शुद्ध वायु में सांस लिए, बिना शुद्ध वायु में सांस लिए हुए, श्वसन किए हुए हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए प्रत्येक मानव को, प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को हमारे वायुमंडल के बारे में सटीक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि उनका वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें बढ़ रही हैं, कौन कौन सी हानिकारक गैसें हैं, कौन कौन सी लाभकारी गैसें हैं। तो इस लेक्चर में, ये जो दूसरा लेक्चर है 3 लेक्चरों की सीरीज में, ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में। चलो देखते हैं, मैंने आपको इस टेबल के माध्यम से बिल्कुल सरलीकृत करके आपको बताया है कि कौन पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आप किताबों में देखते होंगे कि आप पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, परंतु आपको किताबों में ये नहीं मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी गैसें, क्या क्या इंपॉर्टेंस और क्या क्या रोल होता है। इस लेक्चर में मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो है अपना जो पूरा लेक्चर जो है उसको मैंने बताया है कि पृथ्वी के में जो विभिन्न गैसें हैं उनका मानव जीवन में क्या क्या महत्व है। तो इस ये लेक्चर इसलिए विशिष्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मैंने गैसों की क्वांटिटी क्वालिटी के बारे में तो बताया है, ये भी साथ ही साथ मैंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी गैस का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। तो चलो शुरू करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की गैसों की संगठन के बारे में और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में जो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, एक बात करते हैं। पृथ्वी के जो समुद्र तल है, समुद्र तल की शुष्क वायु में दोस्तों 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। समुद्र के शुष्क वायु में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और हाइड्रोजन। ये 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इन 9 गैसों का मानव जीवन में अलग अलग तरीके से महत्व होता है। मानव अलग अलग तरीके से श्वसन के माध्यम से इनको ग्रहण करता है और मानव के शरीर के विकास में और आसपास की वस्तुओं के निर्माण में इन गैसों का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। चलो तो दोस्तों, इस सरलीकृत लेक्चर में जानने का प्रयास करते हैं कि वायुमंडल कौन कौन सी गैसों का से मिलकर बना है और इन गैसों का मानव जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मानव जीवन में क्या क्या महत्व है, इस बारे में बात करते हैं। आपको बड़ा मजा आएगा। चलो बात करते हैं पहली गैस के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। देखिए जैसे दोस्तों, नाइट्रोजन को वैज्ञानिक भाषा में N2 लिखा जाता है, जबकि ये हमारे वायुमंडल के आयतन का, वायुमंडल के आयतन यानी वॉल्यूम का 78.08% में पाई जाती है। और इस गैस का जो भार है, वेट है, पूरे वायुमंडल का जो भार है उसका 75.53% ये जो गैस है उसके अंदर मास है, यानी द्रव्यमान है। पूरे वायुमंडल का द्रव्यमान का 75.53% नाइट्रोजन गैस में यूज होता है। दोस्तों, मैंने अपने इन 9 गैसों को, ये जो आज 9 गैसें देख रहे हैं, इन 9 गैसों के सारे जो विशेषता है उन विशेषताओं को 18 बिंदुओं में बांटा है। इनको ऊपर से लेके आप नीचे आराम से देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, आपको बड़े ही उपयोगी होने वाला है आपके सिविल सर्विसेज में, कोचिंग में और नेट में। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो नौ गैसें हैं इनका क्या क्या विशेषता है। बात करते हैं पहली गैस की बारे में, नाइट्रोजन गैस की, और विशेषता नंबर 1 के बारे में कि नाइट्रोजन जो गैस है एक ऐसी गैस है जो
ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, यानी कि ऑक्सीजन को पतला करती है और पृथ्वी में होने वाले आग को यानी कि दहन को, आग को नियंत्रित करती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन के द्वारा पृथ्वी में इतनी भारी मात्रा में आग लगाई जाए कि मानव जीवन यहाँ पर संभव ना हो पाए। तो ऑक्सीजन के द्वारा लगाई जाने वाली आग, यानी कि अगर ऑक्सीजन दहनकारी गैस है तो नाइट्रोजन उसको तनु करती है और आग को नियंत्रित करती है। दूसरा, नाइट्रोजन का उपयोग हमारे पेड़ पौधों में होता है कि पेड़ पौधे इसको प्राप्त करते हैं, परंतु पेड़ पौधे इनको श्वसन के माध्यम से नहीं, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के माध्यम से पेड़ पौधे नाइट्रोजन का दोहन करते हैं और अपने अंदर खा के उसका मतलब उपभोग करके ये जो नाइट्रोजन है पेड़ों के विकास में, पेड़ पौधों वनस्पति के विकास में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मानव जीवन में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? मानव जीवन, मनुष्य, जो कि मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है वायुमंडल के 75.8% आयतन रखती है, जब इतनी भारी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है तो कहीं ना कहीं मनुष्य इसको श्वसन के माध्यम से सांस लेके अपने अंदर ले आता है और बाहर निकालता है, परंतु श्वसन के माध्यम से ये नाइट्रोजन कभी भी मनुष्य को प्रभावित नहीं करती, याद रखिएगा। तो फिर मनुष्य के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? दोस्तों, मनुष्य के लिए इस गैस का इसलिए ये इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि ये मनुष्य के मानसिक विकास में और शरीर के अंगों की वृद्धि में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसका उपयोग से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए बनता है और हमारे बॉडी में पाए जाने वाला अमीनो एसिड के निर्माण का ये मूल स्रोत है। क्या नाइट्रोजन क्या है? अमीनो एसिड के निर्माण का मूल स्रोत है हमारी जो नाइट्रोजन है। और अमीनो एसिड क्या काम करता है? हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाता है और यही प्रोटीन्स हमारे विकास में, वृद्धि में और चोट लगने में हमारी चोट को रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर कैसे आता है? नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर श्वसन के माध्यम से नहीं आता, याद रखिएगा, क्योंकि हम नहीं, नाइट्रोजन वनस्पति में होता है और वनस्पति से मनुष्य इसको ग्रहण करता है, वनस्पति खाता है। जब हरी सब्जियां खाते हैं हम, हले फल फ्रूट खाते हैं, तो नाइट्रोजन फलों के साथ मनुष्य की बॉडी में आता है और मनुष्य की बॉडी फलों के माध्यम से नाइट्रोजन को हमारी बॉडी में ऑब्जर्व करने में कामयाब होती है। फिर यूरिन के माध्यम से नाइट्रोजन मूत्र के माध्यम से हमारी बॉडी से निकल जाता है और इसी प्रकार से सृष्टि में नाइट्रोजन चक्र जो है चलता रहता है। परंतु याद रखिएगा, मनुष्य कभी भी नाइट्रोजन को श्वसन के माध्यम से, सांस के माध्यम से ग्रहण नहीं करता है। चलो दूसरी गैस का बारे में देखते हैं, ऑक्सीजन। बात करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन इतनी लाभकारी गैस है कि मनुष्य को सांस लेने में बड़ा इंपॉर्टेंस इसका होता है और हरे पेड़ पौधे जो है वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये हमारे वायुमंडल 20.9% आयतन में पाई जाती है और जो पूरे मास का 23.14% है। तीसरी हमारी जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है आर्गन। कौन सी गैस है? आर्गन गैस। आर्गन गैस को बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक इनर्ट गैस है। इसको आर्गन को क्या बोला जाता है? एक इनर्ट गैस बोला जाता है। इनर्ट गैस किसे कहते हैं दोस्तों? इनर्ट गैस उसको कहते हैं, उस गैस को बोला जाता है जो किसी भी तत्व या अन्य गैस के साथ क्रियाशील नहीं करती। वह गैसें क्रियाशील भी नहीं होती, वह गैसें जो रंगहीन स्वादहीन और गंधहीन, यानी कि जहरीली भी नहीं होती और दूसरे तत्वों के साथ रिएक्ट भी नहीं करती, उनको नॉवल गैसें बोला जाता है या इनर्ट गैसें बोला जाता है। तो उस इनर्ट गैसों में से आर्गन पहली गैस है। और हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी इनर्ट गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी नॉवल गैसें पाई जाती हैं? पहली आर्गन पाई जाती है, दूसरी नियॉन, तीसरी हीलियम, चौथी क्रिप्टॉन और पाँचवीं ज़ेनॉन। ये पाँचों इनर्ट गैसें हैं। इन गैसों का क्या क्या प्रयोग होता है? इन गैसों का प्रयोग ज़्यादातर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। अब इन गैसों का प्रयोग किसमें होता है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए होता है। चलो देखते हैं कैसे ये प्रकाश उत्पन्न करती है। देखिए, इनर्ट जो गैस है हमारी, जो ये नियॉन जो हमारी गैस है, आर्गन जो हमारी गैस है, तीसरे नंबर में जो हमारी आर्गन जो गैस है जिसको AR के माध्यम से दिखाया जाता है, 0.393% जो ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, ये जो है बल्ब के अंदर इसका यूज किया जाता है। आर्गन को भरा जाता था, एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो बल्ब के अंदर उसको भरा जाता था। अब तो वो बल्ब दिखते नहीं है गांवों में या कहीं, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और CFL बल्ब्स में भी इनका प्रयोग होता है, इस प्रकार की गैसों का, आर्गन गैस का। और
ये जो गैस होती है किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है जो बल्ब होता है, बल्ब जो होता है उसके अंदर जो पतली तार होती थी बचपन में जब हम देखते थे, तो वो टंगस्टन की बनी होती थी। और टंगस्टन क्या सा धातु होती है जो 3000 डिग्री सेल्सियस में गर्म होने पर क्या करती है, उसका जो फिलामेंट, उसको बोलते थे तार जो होती थी उसको बोलते थे फिलामेंट, फिलामेंट बोलते थे। और जब वो फिलामेंट जब गर्म हो जाता 3000 डिग्री सेल्सियस में, तो वो आर्गन के साथ मिलकर प्रकाश उत्पन्न करता था। तो आर्गन जो है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यूज होती है मानव जीवन पे, जीवन में, ठीक है, याद रहेगा। चौथी हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में दोस्तों देखें कि ये इसको CO2 के रूप में दिखाया जाता है वायुमंडल में, और ये वायुमंडल का केवल 0.03% आयतन में पाई जाती है, वॉल्यूम में पाई जाती है, और इसका द्रव्यमान जो है 0.05% है हमारे पूरे वायुमंडल का। इसकी कुछ दो मुख्य विशेषता है, एक तो ये जो गैस है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली सोलर रेडिएशन को तो पृथ्वी में आने देती है, परंतु पृथ्वी से जब सूर्य की किरणें टकरा के ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो उसको बोलते हैं पार्थिव विकिरण, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको वापस नहीं जाने देती। इस कारण जो यह है, जो ये गैस है पृथ्वी के टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखती है, और पृथ्वी का तापमान औसत 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अगर पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी मानव जीवन के लिए रहने लायक ग्रह नहीं होता, क्योंकि सुबह के समय तापमान बढ़ने से पृथ्वी अधिक गर्म होती, और रात्रि के समय तापमान गिरने से, तापमान ज़्यादा ठंडा होने से यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता, और मनुष्य के लिए जीवन, पृथ्वी रहने लायक ग्रह नहीं रहती। तो मौसमीय क्रियाओं के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कैरेक्टर होता है दोस्तों, इसका क्या करेक्टर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो पृथ्वी से सोलर रेडिएशन आता है, सौर विकिरण आता है, वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी में पहुंचता है। किसके रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में, मैंने इसको बता रखा है लघु तरंगों के रूप में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, परंतु जब ये लघु तरंगें पृथ्वी में टकराती हैं, पृथ्वी के धरातल से, सरफेस से टकराती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके ये दीर्घ तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? दीर्घ तरंगों में, बड़ी तरंगों में ये परिवर्तित हो जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सूर्य प्रकाश की जो दीर्घ लघु तरंगें जो आती हैं उनको तो ऑब्जर्व कर लेती है, शॉर्ट वेव्स को तो आने देती है, परंतु लॉन्ग वेव्स जो कि जो पृथ्वी के टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा जो लॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज बना रहता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। कई लोग इसको कृत्रिम रूप से भी अब कृषि में अपनाने लगे हैं, जैसे पॉली हाउस होते हैं, पॉली हाउस के अंदर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया जाता है, और हर सीजन में वनस्पति सब्जियां उगाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैस। परंतु अब जब पृथ्वी में कारखानों के माध्यम से, कारों के माध्यम से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैसों का ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? लघु तरंगें आती हैं पर शॉर्ट बड़ी तरंगें बाहर नहीं जा पाती, इसलिए पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से तापमान बढ़ने को क्या बोला जाता है वैज्ञानिक भाषा में? भूमंडलीय ताप, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है दोस्तों? आइस कैप, यानी कि हिमखंड पिघल रहे हैं और हिम शिखर पिघल रहे हैं, ध्रुवों में जमी बर्फ, अंटार्कटिका में, आर्कटिका में जमी बर्फ तेजी से बढ़ रही है, और समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, बांग्लादेश, केरला के तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान जैसे तटीयवर्ती जो इलाके हैं भारत के, वो बहुत तेजी से डूब रहे हैं। बांग्लादेश और बंगाल का तटवर्ती इलाका तेजी से डूब रहा है। साथ में बांग्लादेश और भारत के बंगाल राज्य में पाया जाने वाला मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है, सुंदरवन फॉरेस्ट बहुत तेजी से डूब रहा है। इसलिए जितना तेजी से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करेंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते जाएंगी, और ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी और गर्म होती जाएगी, और मनुष्य अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत तेजी से वस्तुओं के, सामानों का प्रयोग कर रहा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे ऊपर हावी है। हमको एक जैसी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। अगर किसी के पास कोई भी कपड़े हैं तो उसको 50 प्रकार के कपड़े, 30
दस दस प्रकार के कपड़े चाहिए, पैंटें चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप नियमित संसाधनों में अपने अपनी आवश्यकताएं को संतुष्ट करें दोस्तों, और हो सके तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करें और अपने जीवन में भौतिकवादी जो जो चलन चल रहा है उसको कम करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पृथ्वी में इस लेवल तक पहुँच चुका है कि 11 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में विश्व के 192 देशों ने एक संधि की जिसको क्या बोला गया, क्योटो प्रोटोकॉल। इस क्योटो प्रोटोकॉल में सभी देशों ने यह माना कि हमें किसी भी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करने वाली जो गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम करना है, और इसके अंदर 6 गैसों को लिया गया। ये 6 गैसें कौन कौन सी जिनके उत्सर्जन को कम करना है 192 देशों को, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर अक्सर गैस। ये जो है 6 गैसें हैं जो कि पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो जलवाष्प भी जिम्मेदार है और ओजोन भी जिम्मेदार है, पर इन 6 गैसों को ही क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर शामिल किया गया है। कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर शामिल किया गया है, या इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है या है। ठीक है, तो याद रहेगा पृथ्वी में कौन कौन सी गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो सभी देशों को इसमें गैस को उत्सर्जन कम करना है। अब बात करते हैं हमारी अगली गैस की, नियॉन की, जिसको NE के माध्यम से दिखाया जाता है, संकेत से दिखाया जाता है। इसकी मात्रा आप देख ही रहे हैं, पृथ्वी के आयतन का 0.002% ये है, और पृथ्वी के में जो वायुमंडल के द्रव्यमान का ये 0.0018% है। इस गैस का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है दोस्तों, इस गैस का जो हमारा जीवन में जो प्रयोग है वो आप देख सकते हैं। पृथ्वी के नियॉन की कम मात्रा महंगी होती है क्योंकि पृथ्वी में जो नियॉन गैस है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसका प्रयोग प्रकाश में किया जाता है, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, तो ये जो गैस है ये बहुत महंगी गैस है। इसका उत्पादन हीलियम के उत्पादन से 55 गुना ज़्यादा महंगा है, इसका उत्पादन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और ये जो इनर्ट गैस है इसका प्रयोग मानव जीवन में क्या है, ये मानव जीवन में क्या क्या काम करती है, इसका प्रयोग टेलीविजन की ट्यूब बनाने में किया जाता है, हाई वोल्टेज इंडिकेटर, हाई वोल्टेज जो देखते थे हम टीवी में पहले जब वोल्टेज बढ़ाते थे उसमें जो लाइट की लाइट जो जलती थी इंडिकेटर होता उसमें इसका प्रयोग किया जाता था, उसके बाद वेव मीटर में इसका प्रयोग किया जाता है, और एडवर्टाइजिंग के साइन बोर्ड में भी इस गैस का प्रयोग किया जाता है नियॉन का। अब बात करते हैं अपनी जो है छठी गैस के बारे में, हीलियम के बारे में। हीलियम हमारी जो गैस है उसको हम HE से माध्यम से दिखाते हैं, और 0.05% ये हमारे पृथ्वी के जो वॉल्यूम का वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का वॉल्यूम का है। इसकी जो विशेषता है दोस्तों, हीलियम गैस बहुत हल्की होती है, हीलियम और हाइड्रोजन मैंने बताया बहुत हल्की गैस होती है, ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, इसी कारण इसको हवाई जहाज़ों के टायरों में भरा जाता है ताकि हवाई जहाज़ों को, वायुयानों को अतिरिक्त लिफ्ट, अतिरिक्त ऊंचाई मिल सके। इसके साथ साथ इसको गुब्बारे में भी प्रयोग किया जाता है, वायुमंडल के मौसम के बारे में जानने के लिए गुब्बारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ अस्पतालों में जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको कृत्रिम रूप से सांस देने के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिला के कृत्रिम रूप से एक गैस बनाई जाती है जिसके द्वारा इसको श्वसन में भी प्रयोग किया जाता है हीलियम का। बात करते हैं अपनी अगली गैस के बारे में, क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन हमारी अगली गैस है जिसको KR के माध्यम से दिखाया जाता है। इसका जो आयतन है वो 0.001% है हमारी पृथ्वी का, और क्रिप्टॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्रिप्टॉन का प्रयोग फोटोग्राफी का जो कैमरा होता है, कैमरे का जो फ्लैश होता है आप देखते हैं कैमरे में, जो कैमरा मैन आपके फ्लैश मारता है उसमें जो बल्ब होता है उस बल्ब के अंदर ही हाई स्पीड जो फ्लैश होता है उसके लिए क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा, देखिए ये चीज़ व्यवहारिक होती है हमारे समाज में, हमको पता, हमारे आसपास ही हम गैसों का प्रयोग करते हैं पर हमको पता नहीं होता, तो याद रहेगा क्रिप्टॉन गैस का हम प्रयोग फोटोग्राफी के टाइम पे करते हैं, और क्रिप्टॉन आर्गन गैस के साथ भी इसका मिश्रण करके इसका और भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारी जो अगली गैस है वो है ज़ेनॉन। कौन सी है, ज़ेनॉन। ये गैस भी हमारी लाइटिंग के लिए यूज होती है, इसका भी प्रयोग लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है, और मेडिकल साइंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस गैस का प्रयोग भी फोटोग्राफी में फ्लैश के लिए यूज होता है, और इसके साथ साथ फोटोग्राफी के साथ साथ
हाई प्रेशर आर्क लैंप, हाई प्रेशर आर्क लैंप या फिर जेनॉन लैंप, जेनॉन लैंप का प्रयोग होता है। अगर आप देखें फिल्में देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, उन चलचित्रों में जब शूटिंग हो रही होती है तो उसमें कैमरा के लिए लाइट चाहिए होती है पर्याप्त मात्रा में, तो उसके लिए जो है आपका जेनॉन लैंप्स का प्रयोग किया जाता है, जेनॉन गैस के लैंप्स का प्रयोग किया जाता है जिससे कि भारी मात्रा में कृत्रिम प्रकाश निकलता है। कई बार प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए, यानी कोई उत्पाद है उसके टेस्ट करने के लिए भी, सूर्य की कृत्रिम लाइट बनाने के लिए, खाद्य पदार्थ को टेस्ट करने के लिए सूर्य की लाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में सूर्य के प्रकाश को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए जेनॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल साइंस में इसको मेडिकल इमेजरी के रूप में भी जेनॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं हमारी अंतिम गैस के बारे में, जेनॉन गैस के बाद हम बात करते हैं अपनी अंतिम गैस के बारे में। जी हाँ, हमारी अंतिम गैस है हाइड्रोजन। ये बहुत ही हल्की गैस होती है। इसका जो प्रयोग है ऑक्सीजन के साथ में मिला के, इसको इसका प्रयोग हम ऑक्सीजन के साथ में मिला के 2800 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी धातु को काटने में या किसी भी धातु को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, काटने में और वेल्डिंग में। दूसरा इसका प्रयोग क्या होता है, इसको गुब्बारों में भर के, हाइड्रोजन ऐसी गैस है जिसको गुब्बारों में भर के मौसमीय उपकरणों द्वारा पृथ्वी के मौसम के बारे में जानने के लिए पता लगाया जाता है, गुब्बारों में भर के कि कैसा मतलब पृथ्वी का मौसम है। और कई लोग तो पहले जो गुब्बारे उड़ते थे जिसमें लोग बैठते थे उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता था, परंतु ज्वलनशील गैस है इसलिए अब इसका चलन कम होता जा रहा है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन के गैस के जो गुब्बारे होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, उसमें आग लगने का खतरा भी बना रहता है सदैव। तो तीसरा प्रयोग हाइड्रोजन का क्या होता है, तीसरा प्रयोग हाइड्रोजन का सबसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, जो भी हमारे रॉकेट्स होते हैं, हमारे जो वायुयान जो रॉकेट्स होते हैं जो हमारे उपग्रहों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थापित करते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ईंधन बना के इसका प्रयोग किया जाता है, और ये ईंधन के रूप में प्रयोग होती है हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी 9 गैसें। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और मेरी तीनों इस लेक्चर की सीरीज को ज़रूर ज़रूर देखें और सबको शेयर करें। और हमारे जो चैनल है मेरा हिमालय ज्योग्राफर चैनल है, जिसका मैंने यहाँ पर नाम लिखा था, यहाँ हिमालय ज्योग्राफर यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें। और जो ये 9 गैसें हैं इनके बारे में आप यहाँ पर उतार भी सकते हैं, इनकी विशेषताएं दे सकते हैं, और इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास करा कि किस प्रकार से हमारा जो वो है, हमारा जो वायुमंडल में संगठन है, हमारा कंपोजिशन कैसा है हमारी वायुमंडल का। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।